जो हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक द अगेन फ्रेश न्यू वीडियो के साथ। तो बस इतना ही ताकत था बोलने का क्योंकि मेरे को हो रखा है फीवर एंड यार मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इतने दिनों से लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं आई इसका रीज़न यही था एंड अभी भी ख़राब है। तो मेरा ना मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा यार एक वीडियो बना देता हूँ मेरे कलेक्शन के ऊपर कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है एंड आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि मेरे पास कौन सा रेयर आइटम है। ठीक है, तो बीच में जो साउंड आएगा मतलब थोड़ा दबी दबी वॉइस आएगी, मतलब मेरा वॉइस भी भारी हो रखा था तो इस वजह से थोड़ा मतलब आप लोग कर लेना। तो लाइक एम है इस वीडियो का 20 लाइक का, उसके बाद हम हाइड्रा डेविल का भी अकाउंट का आप लोगों को दिखाएंगे कलेक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे कलेक्शन से। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास हेयर है 147 हमारे पास हेयर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे पता है मेरे को 200 हेयर चाहिए थे बट यार बीच में जरा ये वाला आईडी ऑफलाइन था मतलब कुछ 6-7 महीने के लिए, तो इसी के लिए इसमें कलेक्शन थोड़ी कम है। बट ये मेरा मेन अकाउंट है, इसमें आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड मैं हर बंदे का रिक्वेस्ट लेता हूँ। एंड भाई अगर आजकल देखो मैं ना गेम भी थोड़ा मतलब रैंक पुश कर रहा हूँ, बोला तो जान ही रहा, मेरी आवाज़ भी वैसी हो रही थी तो इस वजह से मैं किसी भी सब्सक्राइबर को अभी ग्रुप में नहीं ले सकता। तो सॉरी, जैसे ही ठीक होगी मैं आप लोगों को ग्रुप में लेना शुरू कर दूंगा। बट हाल फिलहाल के लिए मैं आपसे बस 5-10 मिनट ही बात कर पाऊंगा क्योंकि यार मेरा आवाज़ थोड़ा वैसा हो रखा है एंड मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ बोलने का। बट मजबूरन मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि हमारा जो चैनल है वो दिन पर दिन डेड हो रहा है एंड शॉर्ट फीड भी पूरी डाउन हो चुकी है। इसी के लिए मैंने सोचा कि आज आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मेरे पास है। तो आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें मेरे पास हैं एंड अभी मैं आप लोगों को हेयर दिखा रहा हूँ एंड ये सबसे फेवरेट हेयर है मेरे। एंड ये टोपी भी बहुत बढ़िया थी ब्लू वाली, ये फ्री में था, ये हकाई टीवी का था, ये फ्री में नहीं था शायद। एंड ये हमारे डैडी कॉलिंग भाई का है जो हेयर है पिंक वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड ये B2K का आ चुका है यहाँ पे, यहाँ ये BTS का था कुछ, इसका आप ऐसे फ्री के भी है। ये रैम्पेज है भाई, रैम्पेज तो बहुत पहले का निकल रहा है, 1 साल हो गया ना रैम्पेज को, ये अभी नहीं निकाला मैंने, पहले निकाला था। एंड आप लोग देख सकते हो ये कलेक्शन बस इतना ही है इस वाले में तो, एंड ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रेड वाला जोकर नहीं है भाई, मैंने सोचा था कास्ट लेता मैं, बट ये रेयर है यार, बहुत ज़्यादा रेयर है मेरे लिए। ये नहीं, दूसरा वाला जो रेड वाला था वो रेयर है। और क्या क्या है सामान देखते हैं नीचे करके। एंड यहाँ पे हमारा फेवरेट जोकर का मुंह, बट यार मेरे को रेड में चीता जैसे क्लासी के पास है या फिर वाइट में जो बहुत ही रेयर है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये वाला हम पे जोकर जोकर बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं खरगोश है, ये बियर्ड है भाई, ये वाला भी है और ये तो आदिटेक का था पुराना वाला। तो ये हमारे ज्ञान भाई का सबसे पहला बंडल जो वो पहना करते थे। एंड यहाँ पे रैम्पेज है, चेस्ट की बात करी जाए तो चेस्ट है हमारे पास 330 चेस्ट है और ये बहुत मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, एवरेज टू एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है हमारे पास चेस्ट। तो यहाँ पे चेस्ट आप लोग देख सकते हो इतनी सारी चेस्ट है। तो मैं कुछ मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप लोग देखते रहना कलेक्शन, तो मैं गेम का साउंड ऑन कर देता हूँ ठीक है, उसके बाद आपको मैं कंटिन्यू बोलता हूँ। आप लोगों ने जैसा कि देख लिया होगा कि मेरे पास इतनी कलेक्शन थी, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे इमोट वाला सेशन। 49 यार बस 50 होने वाला इमोट
एंड ये थोड़े रेयर रिमोट भी है, रैम्पेज वाले है, कुछ स्टोन पेपर सीजर है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी। बट यार मेरा सबसे फेवरेट रिमोट था थ्रो रिमोट जो मैंने ले चुका हूँ, एंड मास्टर वाला भी करा था हीरोइक के बीआर का, ये वाले कई सारे रिमोट है। बट ये बात है कि रेयर रिमोट है एंड अच्छे रिमोट है। एंड आप लोग ये बताना कि आप लोगों के पास कितनी कलेक्शन है, ठीक है? आप लोग खुद बताना, एकदम रियल बताना कि आपके पास कितने रिमोट है, तो कमेंट कर देना। एंड आई होप कि मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। हम लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करने वाले थे वैसे इस हफ्ते, बट करी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार, कसम से बोलने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बना देता हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी रेस्ट करके आ रहा हूँ। चलो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपना बैकपैक। एंड बैकपैक देख सकते हो, ये ज्ञान भाई का बैकपैक है। रेयर से रेयर बैकपैक भी है मेरे पास, पुराने से पुराने बैकपैक भी है, मतलब टोटल गेमिंग का बैकपैक भी है एंड ज्ञान भाई का भी है। ये जोकर वाला किस कौन पहनता है ये मेरे को बताना, ठीक है? चलो यहाँ पे ये पेटी वेटी भी देख लेते हैं अपनी। पेटी तो हम यूज़ करते हो टकले वाली की, वन पंच मैन की। एंड यहाँ पे लगा लेता हूँ नीचे, अरे रुको पहले मैं वो लगा लेता हूँ अपना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर थोड़ा नीचे था वाइट वाला, हाँ ये वाइट वाला बढ़िया लगता है। चलो ठीक है, अब यहाँ कार कलेक्शन भी दिखाऊंगा, पर उससे पहले बैनर रफ्तार देख लो तुम। बैनर रफ्तार ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सभी है बैनर रफ्तार, गिन लो आप लोग कितने बैनर रफ्तार है। चलो ठीक है, एंड बाकी कुछ चीज़ और कौन सी बची है यहाँ पे, कार भी मैंने शायद दिखाई नहीं, दिखा तो दी शायद। ये सबसे रेयर है, सबसे रेयर, इससे ग्रीन क्रिमिनल मिला था पिंक वाले डायमंड से। एंड सारी चीज़ तो मैंने निकाल रखी है, परमानेंट है बट ये एक्स्ट्रा है तो इसे निकालते चलो ठीक है। नहीं निकलेगा मुझे पता है, नहीं निकलता ऐसी चीज़ें, ठीक है? दो क्रिएट में क्या ही निकलता है। चलो फिर हटाओ इसे, भाड़ में जाइए। और बाकी सब तो बेकार सी स्किन है, इससे अच्छी स्किन तो मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी है। अब चलते हैं गन कलेक्शन के ऊपर, एंड गन कलेक्शन कैसा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गन कलेक्शन की बात करी जाए तो M4A1 की हमारे पास इतनी ज़्यादा स्किन है, AK-47 भी मेरे पे ईवो है। एंड ईवो मेरे पास कितनी है आप लोग पहले ही कमेंट में बता दो अंदाज़ा लगा के। AK-Drago मेरे पे, AK-Drago वाली भी है, दो दो मतलब AK की बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन है। एंड फ्लेम वाली भी है, वैसी वाली भी है, ग्रोजा की है। एक्समेट का ईवो था हम पे, आप लोगों ने देख लिया होगा, ये देखो एक्समेट का ईवो। A94 का नहीं है, A94 का दूसरे वाले अकाउंट पे है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार, पैराफिल का इंक्लोवेटर भी था, SVD ये कुछ भी नहीं है इनके अंदर। एंड बाकी सब स्किन तो है बट इतनी रेयर वाली भी नहीं है। और यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया स्किन लगती है इसकी, ये आग वाली UMP की मैं चेंज करने वाला हूँ अभी, रुक जाओ। वाइट वाली लगाते हैं, पेपर कट जैबरा कट वाली, ठीक है? यहाँ पे यही नाम है ना, जैबरा कट कांगी, यरी, हाँ यरी यरी जैबरा वाली, ठीक है? चलो जैबरा वाली लगा लेते हैं। एंड नीचे जाते हैं, कोबरा MP40 हमारी 6 लेवल की है, मैक्स नहीं करूँगा मैं क्योंकि यार मैक्स में क्या इमोट के लिए ऐसे तड़पो, इतना डायमंड वेस्ट है। फिर M10 है, M10 की ये वाली ग्रीन वाली इंक्लोवेटर भी थी, ये M18 ईवो है। और यहाँ पे और विंटरलैंड ट्रॉपिकल पैरट, इतनी सारी स्किनें हैं। AWM की बेकार सी थी, और M24 की भी नहीं है, डेजर्ट की है, और कई सारी स्किनें हैं। एंड सबसे फेवरेट मेरी मिनी यूजी की है, ये वाली जो अभी अभी हाल ही में मिली है। एंड नीचे जाके देखते हैं तो RG बकेट लिस्ट हमारे पास पैन में छपे हुए हैं, एंड आप लोग देख सकते हो ये RG बकेट लिस्ट एंड जो भोलू है ना, सेम वैसे लग रहा है। तो चलो नीचे जाके और देखते हैं। और फिस्ट का भी स्किन है, 3 स्किन फिस्ट का है, और उसके बाद क्या चीज़ें हैं देखते चलो। नीचे फिस्ट के 3 स्किन के बाद हमारे पास ये आ जाती है, सबसे रेयर ग्लू वॉल मेरी। एंड उसके बाद आप लोगों को ग्लू वॉल की कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कई सारी ग्लू वॉल देखी है, पुरानी से नई ग्लू वॉल है, एंड वाइट वाली भी है जो कि सबके पास ही है, ठीक है? इसका एक भी स्किन नहीं है क्योंकि शायद आया नहीं है। एंड यहाँ पे नेड भी है, ग्रेनेड इतने अच्छे खासे नहीं है, बाकी सारे फटने तो सब नहीं है चाहे स्किन कैसी भी हो। यहाँ पे क्रॉसबो का नहीं है, बट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें क्रॉसबो का भी स्किन है। अगर इसमें आते हैं 30 लाइक तो मैं उस अकाउंट को दिखाऊंगा जिसमें क्रॉसबो है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अब गिल्ड की बात करते हैं तो भाई गिल्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट उससे पहले ईवो गन दिखा देता हूँ। ईवो गन मेरे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईवो गन है, ठीक है? 6 ईवो गन है। एंड अब देखते हैं भाई गिल्ड को, गिल्ड में मैं हूँ GW गज्जू भाई की गिल्ड में। एंड गज्जू भाई की गिल्ड 4 लेवल की है, ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी जस्ट ज्वाइन करी है मैंने, 3 दिन भी नहीं हुए शायद। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने सारे प्लेयर है, एक प्लेयर की और एंट्री है, आज लाइव करेंगे वो तो इससे मतलब एक प्लेयर भी बढ़ जाएगा। एंड गिल्ड टेस्ट देना पड़ता है यहाँ, एंड गिल्ड टेस्ट अगर आपने पास किया तो ठीक है, वरना आप लोग गिल्ड में नहीं आ सकता, ऐसा वाला सीन है। तो अभी यहाँ पे एक्टिंग लीडर सब बनेंगे तो चेंज होते रहते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कितने सारे बंदे, ठीक है? मतलब एवरेज टू एवरेज सबका गेम प्ले सही है, बट इस बंदे ने मेरे को भी रिक्वेस्ट सेंड करी थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं करी है अभी, पर मैं करूँगा अभी वीडियो के एंड में, मैं इसकी ये जो इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो एक्सेप्ट कर लेंगे।
एंड नीचे जाके देखते हैं। बाकी मेरा प्रोफाइल ये रहा, आप साइड में आपको यूआईडी दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला यूआईडी डाल देना एंड मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना। बट कमेंट में पहले अपना नाम बता देना, आपका नाम क्या है, जिससे मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ, या फिर बायो में लिख देना हेलो मिस्टर हेड रिकॉर्ड, जिससे मैं आपको पहचान जाऊँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरी वीडियो से आए हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ विजिट में दिख जाता है कि कौन कौन से बंदों ने विजिट किया है। तो यही कहना चाहता था आज के वीडियो में, एंड रैंक तो मैंने पहुँचा दिया अपना हीरोइक इलाइट हीरोइक। तो देखो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, बट उससे पहले मैं आपको करेक्टर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई तुम्हारे पास करेक्टर नहीं है, ये नहीं है, तो करेक्टर फुल करेक्टर है। तो यही था आज का वीडियो में, एंड आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, एंड आप लोगों को एंड में जाते जाते मैं अपना रैंक भी दिखा दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टेड न्यू वीडियो में, तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चलो यार जल्दी जल्दी आएगी वीडियो अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। बाय बाय।